आइए अब बात करते हैं कि ऋषि कश्यप ने इस बारे में क्या कहा, यदि द्वादश में शनि हो तो क्या फल होगा। ऋषि कश्यप अनुसार, नृप संगात नीच मित्र संगात बांधव दोषतः अंत्यज जाद ऋतौ सुदुखम जन बंधन संभव मित्र वैरात पुत्र दास दोषात दुखात कृपा वृषात लोक दोषात प्रिय संगात शनौ व्यगते व्यय। अब जब हम इस श्लोक की हिंदी पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि द्वादश में बैठे शनि के बारे में इस श्लोक का अर्थ उसके व्यय से जोड़कर ही देखा गया है। कहने का अर्थ है ये है कि वो कहाँ पर पैसा खर्च करेगा, वो इस श्लोक की हेल्प से ऋषि कश्यप ने बताया है। तो उसके अलावा इसका बाकी उसकी जीवन शैली पर और बाकी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो इस श्लोक में कवर नहीं होता। सबसे पहले उन्होंने बताया कि यदि द्वादश भाव में उच्च का शनि विराजित हो जो कि वृश्चिक लगन में होगा, थोड़ा सोचिएगा, वृश्चिक लगन में शनि जो है वो तीसरे भाव का और चौथे भाव का स्वामी होकर द्वादश में गया है। तीसरे का स्वामी होकर द्वादश में उच्च का होना ये दिखाता है कि आपके जो कोबॉर्न है, यंग कोबॉर्न है, वो जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे, ये इसका एक एडवांटेज है। अच्छा, डिसएडवांटेज ये है कि आपके द्वारा किए गए कार्य कई बार व्यर्थ हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपने एफर्ट किया एक चीज को बनाने में, एक चीज को क्रिएट करने में, और उसके बाद आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो किसी और ही के काम आ रही है। वो कॉम्बिनेशन बनता है यदि उच्च का शनि द्वादश में हो। चतुर्थ का स्वामी भी द्वादश में उच्च स्थिति में है, कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि अपना प्रॉपर्टी तो व्यक्ति जनरेट कर लेगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो प्रॉपर्टी आपके बर्थ प्लेस से दूर हो। ऋषि कश्यप इस बारे में कहते हैं कि यदि आपकी पत्रिका में द्वादश में उच्च का शनि है तो आप राजा के समान व्यक्ति की सेवा में, या यूं कहिए कि राजा के समान व्यक्ति की संगत में पैसा खर्च करते हैं, हाई प्रोफाइल लोगों में बैठकर पैसा खर्च करते हैं। आप लोग बताइएगा आपका इसके बारे में क्या मत है। इसके बाद यदि उच्च नवांश का शनि द्वादश में हो तो बताया गया ऐसे व्यक्ति दुष्ट मित्र की संगति में पैसा खर्च करते हैं, यानी कि आपके मित्र आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए, आपका शोषण करने के लिए आपसे पैसा खर्च करवाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में भी उच्च नवांश में बैठा शनि द्वादश में है तो अपनी संगति पर ध्यान दीजिएगा, और अगर संगति नहीं बदली जा सकती तो खर्चों पर ध्यान दीजिएगा। शनि बारहवें भाव में शुभ वर्गों में हो, अर्थात गुरु बुध शुक्र या चंद्रमा की राशियों में हो, नवांश में, होरा में, दृष्टांत में, तो ये बताया गया ऐसा व्यक्ति रिश्तेदारों पर खर्च करता है, अपने सगे संबंधियों के बेटरमेंट के लिए खर्च करता है, तो वो यहाँ पर शुभ वर्गों में बताया गया। उसी प्रकार यदि नीच राशि का शनि द्वादश भाव में हो, संभावना है कि ये वृषभ लगन में ही पॉसिबल है, और आप जानते होंगे वृषभ लगन के लिए शनि योग कारक होता है, योग कारक ग्रह द्वादश में नीच का हो गया। देखिए, अगर ये नीच का शनि शुक्र को देख रहा हो वृषभ लगन में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये शुक्र को नहीं देख रहा हो तो अधिकतर ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, कमाते बहुत हैं, भाग्य भी उदित होता है, लेकिन वो सारा जो संसाधन जो ये अर्जित करते हैं वो किसी दूसरे के काम आता है, अपनी संतान के या अपने भाई के, या यूं कहिए कि संसाधन एकत्रित करने में तो ये बहुत जोर शोर से लगते हैं, लेकिन उसके उपयोग में ये कहीं पीछे रह जाते हैं। ऋषि कश्यप ने इस बारे में कहा कि द्वादश में शनि हो तो अंत्यज पर धन व्यय होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। शनि बारहवें भाव में नीच नवांश का हो तो क्या होता है, तो इसके बारे में बताया गया कष्ट निवारण पर खर्च है, प्रॉब्लम आती है लोग आपके ऊपर, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढने में आपका पैसा खर्च होता है। अब वो प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम लिटिगेशन भी हो सकते हैं, उसके लिए आपका प्रॉपर चार्ट देखना जरूरी है। लेकिन द्वादश भाव में यदि नीच नवांश का शनि बैठा है तो ये दर्शाता है कि आपके पैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही खर्च होते हैं। यहाँ एक रेमेडी और बता दूं जो मेरे गुरु ने मुझे कही थी, कि अगर ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति को दूसरों की मुसीबतों में आर्थिक सहायता करनी चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति परेशान है, उसका कोई काम पैसे की कमी की वजह से नहीं बन पा रहा है, ऐसे में अगर आप हेल्प करते हैं तो ये उपाय भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में तो वैसे भी ये योग है। उसके लिए नहीं करेंगे तो अपने कष्ट पे करना पड़ेगा, तो बेटर है दूसरों के कष्टों के निवारण में पैसे खर्च करें, या यूं कहूं किसी ऐसी एनजीओ में दान दें जो कि लोगों की हेल्प कर रही हो, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। आइए आगे देखते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात थी, नीच नवांश में यदि शनि द्वादश में हो तो शत्रुओं के द्वारा कष्ट क्रिएट किया जाता है जिसका निवारण आप कर रहे होते हैं। अब यहां पर मैं पर्सनली जो अनुभव में आया, मैंने जब लोगों से पूछा तो हाँ, काफी केसेस में उन्होंने कहा कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति ने हमारे खिलाफ कोई साजिश करी, कई बार कोर्ट केस की फॉर्म में, कभी किसी और फॉर्म में, प्रोफेशनल सर्कल में किसी और तरह से इसको सॉल्व करने में हमारा पैसा खर्च हुआ। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ, कई बार सेहत के कारण भी व्यक्ति को पैसे खर्च करने पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं। शनि द्वादश भाव में पाप वर्गों में हो तो बताया गया कि बंधन के निवारण पर व्यय, शब्दों पर जाइएगा, बंधन के निवारण पर व्यय। बंधन का निवारण क्या होता है? किसी की जमानत देने पर खर्चा हो सकता है, किसी को जेल से छुड़ाने पर खर्चा हो सकता है। बंधन कई प्रकार के होते हैं, या मान लीजिए किसी ने किसी को किडनैप कर लिया और उसकी किडनैपिंग की जो आपको रैंसम अमाउंट है वो देना पड़े, उसका उसके उसको भी इस तरह देखा जा सकता है। ऑल्दो ऐसा कोई केस अभी तक भगवान की कृपा से मेरे पास नहीं आया है, लेकिन अगर इस वर्ड की इंटरप्रिटेशन पे जाए तो बंधन के निवारण पर वह के इसी तरह के काफी मतलब समझ में आते हैं। अच्छा मतलब क्या है जो इन सब में जो लगा कि हाँ, ये अगर हो तो व्यक्ति के लिए अच्छा है? देखिए, लोग अपने जन्मभूमि, अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जब वानप्रस्थ की ओर मूव करते हैं, जब 50, 55, 60 के होते हैं, तो आपने देखा होगा काफी सारे लोग अपने कर्म भूमि को छोड़कर पहाड़ों पर चले जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाके रहने लग जाते हैं। ये भी बंधनों से निवारण कर रहे हैं, जो जो पाश है, गृहस्थ का पाश है, उसको तोड़कर उससे बाहर निकलने के लिए खर्चा कर रहे हैं। मथुरा में प्रॉपर्टी ले लेना, वृंदावन में प्रॉपर्टी ले लेना, ऋषिकेश में ले लेना, तिरुपति बालाजी के पास कहीं ले लेना, ऐसा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो भी इसी तरह के बंधन के निवारण पर व्यय में समझा जा सकता है। या ऐसे किसी कैंप में जाके रहना, ऐसे किसी आश्रम में जाके रहना और वहां दान करना, वो भी पाप वर्गों में बंधन के निवारण पर व्यय है। आइए आगे बढ़ते हैं। मित्र राशि का यदि शनि द्वादश भाव में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। कहा गया है कि मित्रों के वैर से आपको खर्च करना पड़ेगा, मित्र आपसे शत्रुता कर लेंगे और शत्रुता को निभाने के लिए या वापस उन्हें मित्र बनाने के लिए आपकी जेब से पैसे खर्च होंगे। आप देखिए और मुझे बताइए कि क्या कुछ इस तरह का कोई घटना आपके जीवन में घटित हुई? यदि हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपकी कुंडली में द्वादश में मिथुन का, वृषभ का या कन्या का शनि विराजित है, तो क्या ऐसा कभी हुआ कि आपके किसी मित्र ने आपके साथ वैर की हो, या आपने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सिचुएशन बिगड़ी हो और आपको उस पर कुछ खर्च करना पड़ा? तो ये शनि 12वें भाव में मित्र राशि के बारे में बताया गया। मित्र नवांश में यदि शनि द्वादश भाव में है तो पुत्र कष्ट निवारण पर वै, संतान के ऊपर कष्ट आए और उस कष्ट के निवारण के लिए खर्च करना पड़े, वो बताता है यदि जन्म कुंडली में द्वादश भाव में शनि हो और नवांश कुंडली में वो मित्र राशि में गया हो। तो आगे बढ़ते हैं। बारहवें भाव में शनि यदि शत्रु राशि का है तो दया धर्म पर खर्च होता है। बहुत अच्छी बात है, किसी की मदद करने में, दीनहीन की सहायता करने में जेब से पैसे निकलते हैं यदि शत्रु राशि का शनि द्वादश भाव में हो। शत्रु नवांश का शनि यदि द्वादश भाव में हो तो अन्य लोगों की भूल को आप सुलझाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, गलती किसी और की और खर्चा हो रहा है आपका। जैसे वहां पुत्र कष्ट निवारण पे बताया गया था, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया कि भाई पुत्र के कारण पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ पर पुत्र ना बोलकर ये कहा गया किसी और की भूल, किसी और की गलती के कारण पैसे आपको देने पड़ते हैं।
कई बार होता है ना, कई झूठे केसेस में आप फंस जाते हैं, परेशानी किसी और की थी, नाम आपका आ गया, अब आप उसको कंपनसेट कर रहे हैं या आप उसको सुलझाने के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो इस योग में दिखता है यदि द्वादश भाव में शत्रुघ्नवांश का शनि विराजित। शनि स्वराशि का द्वादश भाव में हो, ऐसे होने की संभावना दो लग्नों में है, या तो कुंभ लगन होगा जहां पे द्वादश में मकर का शनि होगा, या मीन लगन होगा जहां पे द्वादश में कुंभ का शनि होगा। पहले कुंभ की बात करते हैं। कुंभ में लग्नाधिपति द्वादश भाव में गया और द्वादश भाव में जाने के बाद उसने धन भाव पर दृष्टि डाली, भाग्य स्थान पर दृष्टि डाली। ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर बाहर जाकर कमाता है, या विदेशों से या यूं कहिए मल्टीनेशनल कंपनी से फायदा रहता है, जन्म स्थान से दूर जाने पर फायदा होता है, आर्थिक उन्नति अवश्य करता है और लक उसका साथ देता है। व्यक्ति खुद की मेहनत से, अपने एफर्ट से अपनी जिंदगी में पोजीशन बनाता है। वहीं अगर मीन में मीन लग्न में 12वें घर में कुंभ राशि का शनि हो तो लाभेश द्वादश में बैठा है, द्वादशेश द्वादश में बैठा है। ऐसे लोग अधिकतर पैसे को जोड़कर खर्च करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पहले अमाउंट को एफडी, आरडी, एसआईपी और जो ऐसी और चीजें हैं बैंक में, स्टॉक मार्केट में कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके उस पर अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उस पर अच्छा इंटरेस्ट जनरेट करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली देखने में यह आता है कि अगर मीन लगन में द्वादश भाव में शनि हो तो व्यक्ति इस तरह पैसे को धनार्जन करता है, अपनी सैलरी के अकॉर्ड, सैलरी या अपने कार्य के अलावा पैसे कहीं ना कहीं जोड़कर धीरे धीरे उसका उपयोग करता है, वो इसमें आता है। साथ ही साथ ये शनि द्वादशेश होकर धन भाव पे देखता है, इसलिए लगातार खर्चे बने रहते हैं। एक परेशानी, या परेशानी भी नहीं कहूंगा, एक खर्चा पूरा नहीं होता फिर दूसरा खर्चा आ गया, तो यहाँ पर मनी साइकिल तो चलती रहती है। लेकिन अगर जो जोड़ने की बात आती है कि कितना बड़ा अमाउंट आप जोड़ पाए, वो जोड़ने में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। आइए अब जानते हैं ऋषि कश्यप ने इस बारे में क्या कहा। प्रिय संग में धन व्यय, कौन नहीं चाहेगा प्रिय संग में धन व्यय? मतलब आप अपने सगे संबंधियों के साथ बैठकर, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिन लोगों के साथ समय बिताना आपको अच्छा है, वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, और भी कोई है तो वो भी हो सकता है जो आपका प्रिय हो, उसके संग बैठकर उसके साथ रहने के लिए खर्च करना पड़े, तो वो द्वादश भाव में अगर शनि स्वराशि का हो वो दर्शाता है। यदि शनि 12वें घर में वर्गोत्तम है तो अगेन दुख निवारण पर्व है, यानी कि अपने दुखों को पूरा करने में, ये पहले भी आया था आपने देखा हो, तो जब कभी ऐसा योग हो तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा, दूसरों की दुख तकलीफ में अगर आप दान दे देते हैं तो इसके नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। और मोस्टली जब 11वें घर में, 12वें घर में, क्षमा कीजिएगा, एक्चुअली ये टीम से एक छोटी सी गलती हो गई, वो 11वें को 12वां भाव नहीं कर पाए, तो 12वें भाव में यदि शनि वर्गोत्तम हो तो अधिकतर ये पाया गया है कि व्यक्ति स्वयं ही दूसरों के बुरे समय में काम आता है। और अगर ये योग है परमात्मा की कृपा से, मतलब अगर आपका ऐसा स्वभाव है, तो इस योग के नकारात्मक फल आपके जीवन से कम हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 11वें घर, 12वें घर में, अगेन 11वां घर में बोल रहा हूँ, 12वें घर में यदि आपका वर्गोत्तम शनि है और इस बात का आप ध्यान रखें तो आपको काफी लाभ होगा। आइए अब कुछ कुंडलियों के बारे में जानते हैं कि कैसे इस योग को उन कुंडलियों पर लगाया जा सकता है। कुंडली है 8 जुलाई 1942 की, 6 बजे सुबह का जन्म है, सोनीपत का जन्म है, द्वादश भाव में मित्र राशि का शनि विराजित है, अलोंग विद 12th लॉर्ड वीनस। ये शनि तीसरी दृष्टि से नीच मंगल को देखता है, यह शनि छठी दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखता है, ये शनि नवम भाव में स्वयं की राशि को देखता है। अब नियम ये कहता है कि यदि मित्र राशि का शनि 12वें घर में हो तो मित्रों के वैर के कारण या मित्रों से वैर के कारण धन का व्यय होता है, ये नियम बताया गया। इस जातक के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब अगर जब मैंने इनसे पूछा कि क्या मित्रों से वैर है, तो आई व्यक्ति वकील है बाय प्रोफेशन। अब
इसको वैर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसमें मैं असमंजस में हूं। कारण क्या है कि आप कोर्ट केस लड़ रहे हैं और कोर्ट केस लड़ के आप पैसा कमा रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे, एक बात। और उसमें आपसी आपस में वकील सारे मित्र होते हैं, जैसा कि नॉर्मली देखा जाता है कोर्ट में। और बस जब वो केस स्टार्ट होता है, तब वो एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि उस कैटेगरी में इसको डाले कि नहीं डाले, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन एक चीज जो इस चार्ट में इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये शनि द्वादश भाव में वर्गोत्तम है, ये नवांश में भी वृषभ राशि में है। और जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि दुख निवारण में वह जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया, तो बहुत ज्यादा ये फाइनेंशियल हेल्प लोगों की करता है। एक उसका जो इसने मुझे उदाहरण दिया, वो ये बताया कि एक बच्चा पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ऑफ क्या कहें, पारिवारिक जो माहौल है वो उसको सहयोग नहीं कर पा रहा था। काफी बड़ी उम्र के हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने उस बच्चे की फाइनेंशियल हेल्प की और अकोमोडेशन उनको उस एरिया में दिलवाया कि आप यहाँ पर रहिए, आप यहाँ खाना खा लीजिए। उसके पेमेंट भी ये करते थे, पढ़ाई में भी हेल्प करी। और जब वो लड़का एक अच्छा पुलिस अधिकारी बन गया, एक बड़ा पुलिस अधिकारी बन गया, तो वो अब इनकी बहुत रिगार्ड करता है। तो कहने का मतलब है कि दूसरों के दुखों के निवारण में इन्होंने काफी हेल्प करी। वो सिर्फ एक केस था, इसके अलावा भी वो बता रहे थे और झेप कर बता रहे थे, बड़ी खुशी खुशी। एक होता है ना कि दिलेरी गया, मैंने ये करा वो करा, वैसे इनका स्वभाव नहीं था, एक बात। दूसरी बात, ये शुभ वर्गों में, शुभ वर्गों में यदि शनि विराजित हो, तो बताया गया था कि रिश्तेदारी पर पैसा खर्च होता है, सगे संबंधियों पर पैसा खर्च होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं, जो व्यक्ति दूसरे के लिए इतना हेल्पफुल हो, अगर उसके अपने रिलेटिव्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्या करेगा। तो इस चार्ट में वो कॉम्बिनेशन पूरी तरह से लागू होते मिले। इसके अलावा भी बहुत ऐसी कुंडलियां हैं जहां द्वादश में वर्गोत्तम शनि मिलने पर इस प्रकार का फल देखने को मिला। एक और पत्रिका लेते हैं, यह है 27 जून 1968 की, 4 बजे का जन्म है, सिरोही राजस्थान। इस पत्रिका में यदि आप ध्यान दें तो शनि द्वादश भाव में नीच राशि का है, वृषभ लगन की पत्रिका है। तो इस कुंडली में भाग्याधिपति शनि बनता है, योग कारक शनि बनता है। यद्यपि द्वादश में वो क्षमा कीजिएगा, यद्यपि द्वादश में वो नीच का हो गया है, पर इस शनि ने इस पत्रिका में 5 ग्रहों पर अपनी दृष्टि डाली है, बुध मंगल सूर्य शुक्र चंद्र, सभी पर शनि योग कारक शनि की दृष्टि है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास वृषभ लगन की पत्रिका है और शनि काफी सारे ग्रहों को देखता हो, तो ये एक शुभ योग है, ना कि अशुभ योग। कारण ये है कि आपके लिए भाग्याधिपति बनता है शनि। ऐसे केस में शनि की दृष्टि में जितने अधिक ग्रह आएंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, सूर्य भी आए तो भी लाभ मिलेगा। वो अलग तरह की परेशानी और कुछ दे सकता है, लेकिन शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं चतुर्थेश पर आना, चतुर्थेश को भी बल प्रदान करती है। आइए अब आगे की बात करते हैं। तो नीच शनि द्वादश भाव में है, बताया गया अंत्यज, यानी कि समाज से बहिष्कृत, या समाज में जिनको बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है, नीची दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे वर्ग को आप मदद करेंगे। जी, अगर आप इस कुंडली में नवांश और वर्ग पर ध्यान दें तो और सिचुएशन क्लियर होती है। नवांश राशि भी मेष है, यानी वर्गोत्तम शनि है, और सभी वर्ग कुंडलियों में ये क्रूर राशियों में गया, 6 वर्गों में से 6 के 6 में ये क्रूर में गया है। अब इसका क्या अर्थ है? तो हमारे पास 3 बातें आई, अंत्यज को अंत्यज पे वह करेंगे, समाज की बहिष्कृत जो भी लोग हैं उनके लिए आप काम करेंगे, एक। दूसरा, कष्ट निवारण पे खर्चा होगा, क्योंकि आप वर्गोत्तम है, शनि वर्गोत्तम है, और क्योंकि क्रूर राशि में है तो बंधन निवारण पर खर्चा होगा। इन ये 3 अलग-अलग बातें हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ ये तीनों बातें एक ही समय पर घटित हो गई और इस व्यक्ति को पूछा गया, तो इसने बड़े, क्या कहूं मैं, बड़े उत्साह के साथ बताया कि हाँ सर, एक घटना ऐसी हुई थी। वो घटना क्या थी कि एक झगड़े में, एक यू नो, समाज से बहिष्कृत, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, कुछ इस तरह का एक कम्युनिटी होती है जिसको लोग, आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनको छूना लोग पसंद नहीं करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं तो आपको ज्यादा ऐसे केसेस मिल जाएंगे। तो
ऐसे किसी व्यक्ति के झगड़े में जो कि इनके यहाँ काम करता था, उसके झगड़े पर इसको जाना पड़ा, उसको जेल से छुड़वाना पड़ा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, ना नॉर्मली ये उनकी हेल्प करता रहता है। मैं रिपीट करूंगा, जिस सोसाइटी, जिस कम्युनिटी से वो व्यक्ति आता था, उस कम्युनिटी में कोई आपसी झगड़े के कारण उस व्यक्ति को जेल हुई, और ये व्यक्ति जिसके यहाँ वो काम करता था, इसने जाके उसको छुड़वाया भी, और छुड़वाने के अलावा उसके ऊपर जो बाकी खर्चा हो सकता है वो किया। तो ये केस था एक इस तरह का, जिसमें ये तीनों चीजें एक ही व्यक्ति में एक ही टाइम पर मिल गई। आप लोगों की कुंडली में शनि द्वादश में किस प्रकार से फल दे रहा है, प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें भी पता लगे कि भाई इसके और क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और बेहतर काम करने के लिए। अभी तो फिलहाल 12 क्या कहूँ, शनि के 12 भावों की जो यात्रा थी, आज उस पर विराम लग रहा है। आप लोग बताइए अगला कौन सा ग्रह ले जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, 12 भावों में किस में उसका क्या फल होता है। यदि ज्योतिष संबंधित सामग्री इस चैनल की आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमें वीडियो और आपके लाइव होने की नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलती, तो मैं उन सभी को से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे परेशानी आपकी दूर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। वर्गोत्तम ग्रहों को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, यदि आप जानना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और भाव चलित किस प्रकार उसको देखना चाहिए, किस प्रकार उससे फलित करना चाहिए, यदि ये जानना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।